इस वक्त आप देख रहे हैं पाम बीच रोड पर गणेश भाई का जन आक्रोश रैली चल रहा है, जन आंदोलन है, सैकड़ों लोग हैं आ रहा है, गणेश भाई चल रहा है, उनके साथ हजारों लोग इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता नागरिक नवीन बेकर है। और आप देख रहे हैं ये जो सड़क के किनारे जितने भी लोग हैं, ये जो नारा दिया गया था कि आप पेड़ों को बचाओ, आज पर्यावरण दिन है, तो ये सारे लोग पेड़ों को चिपके हुए हैं, क्योंकि जो इस वक्त सरकार ने निर्णय लिया है कि जो उड़ान पुल है उसके लिए 350 से 400 पेड़ काटे जा रहे हैं, वहीं पर MIDC में 3000 के आसपास विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये आज पर्यावरण दिन के ऊपर ये सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो पेड़ों से चिपके हुए हैं, और ये आंदोलन जो है ये जन आंदोलन का एक हिस्सा है, ये पेड़ बचाने की एक कोशिश है और सरकार को संदेश देने की कोशिश है कि जो निर्णय लिए गए हैं वो निर्णय सही नहीं है, और इसीलिए इस निर्णय को, इस प्रोजेक्ट को तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर आज का ये जन आंदोलन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बीजेपी विधायक गणेश भाई के साथ ये बीजेपी के कार्यकर्ता और नवीन भाईकर हजारों की संख्या में आज के दिन चल रहे हैं, साथ साथ ये एक जन आंदोलन है, लूट को रोको और नवीन भाई को बचाओ, ये आंदोलन, ये जो मुद्दा लेकर आज गणेश भाई का सड़क पर उतरे हैं, ये भी नवीन भाई में पहली बार हुआ है जब सत्ताधारी सरकार के खिलाफ, शिवसेना, कांग्रेस और NCP की सरकार के, महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ इस तरह का पहला आंदोलन इस बार नवीन भाई में देखने के लिए मिल रहा है, और इसमें प्रत्यक्ष तौर पर जो बीजेपी के विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जो पालक मंत्री रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में पूरा आंदोलन चल रहा है, वो खुद सड़क पर चल रहे हैं और हजारों कार्यकर्ता उनके साथ साथ इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो सीनियर लीडर हैं ये पूर्व सांसद संजीव नाइक साहब हैं, और इस वक्त ये आंदोलन का हिस्सा है, जो नारा दिया गया है कि लूट को रोको और नवीन भाई को बचाओ। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये आंदोलन जनता का आंदोलन है, और ये आंदोलन में आप देख रहे हैं कि हरी भूली बड़े हुए, ये नवीन भाई को उजाड़ने का काम ये महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं। आप करते हैं विकास हमको जरूर चाहिए, लेकिन विकास चाहिए नवीन भाई की जनता इसके रस्ते पर उतरी है, पूरी नवीन भाई की जनता रस्ते पर उतरी है, और जो महाविकास आघाड़ी सरकार है उसके निर्णयों का, उसके जो गैर जरूरी अनवांटेड जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसके नाम पर जो जनता के पैसों की लूट चल रही है उसके खिलाफ ये आंदोलन है, किस तरह से जो रिस्पांस है, किस तरह से जनता? देखिए आप खुद देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे शहर वासियों को बोला कि आप आइए, और आज पर्यावरण दिन है, आज झाड़ उखाड़ने का काम करने का है, तो ये झाड़ उखाड़ने का काम नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए जनता इस सहयोग दिया है और इस आंदोलन में सभा दी। सर एक चीज जो साफ तौर पर खुल के आ रही है कि जो अनवांटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी जरूरत अभी इस वक्त मुंबई में नहीं है, क्योंकि एक सुनियोजित सारा और पहले से बहुत सारा विकास हो रखा है, लेकिन सत्ताधारी, जिस तरह से आप लोगों का आरोप है कि सत्ताधारी गैर जरूरी विकास कार्यों के नाम पर जनता के पैसों की लूट कर रहे हैं। देखिए प्रशासन के ऊपर से दबाव आ रहा है, कई से ऊपर से फोन आ रहे हैं कि ये टेंडर निकालो, ये काम करो जिसकी जरूरत नहीं है, और नवीन भाई की जनता का पैसा है, इसका हम लोग दुरुपयोग करने नहीं देंगे, इसके खिलाफ हम रस्ते पे उतरे हैं, आगे तीव्र आंदोलन हो जाएगा, बहुत तीव्र आंदोलन हो जाएगा, और भी तीव्र आंदोलन होगा महाविकास आघाड़ी सरकार के फैसलों के खिलाफ, नवीन भाई में चल रही प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ, और ये जो मनमानी है निश्चित तौर पर ये रोकने की ये कोशिश है, जो बीजेपी विधायक हैं गणेश नायक जी उनके नेतृत्व में आप देख सकते हैं कि ये बड़े पैमाने पर पूरे हजारों की संख्या में नवीन भाईकर जो है इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं और गणेश नायक का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नवीन भाई के विकास को जिस तरह से किया था आज उस विकास को डिरेल करने की कोशिश चल रही है। सत्ताधारियों पर यह आरोप है कि जो गैर जरूरी विकास कार्य है, जो अनवांटेड डेवलपमेंट है, उसके नाम पर कहीं ना कहीं नवीन भाईकरों के पैसे की लूट हो रही है, और जो मनमानी चल रही है, आज पर्यावरण दिवस है, कई प्रोजेक्ट के विकास के नाम पर हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नवीन भाई के पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, और इसीलिए आज का आंदोलन बेहद खास है। ये भी पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ सड़क पर नागरिक उतरे हैं, बीजेपी सड़क पर उतरी है, और इस आंदोलन को वो और प्रखर बनाने की तैयारी में है, जैसा कि आप खुद भी देख रहे हैं कि हजारों कार्यकर्ता, सैकड़ों पदाधिकारी इस आंदोलन का हिस्सा है, और ये आंदोलन अब यहाँ वासी कोपरी गांव से लेकर ये जो लॉन्ग मार्च चल रहा है ये अरेंजा कॉर्नर तक जाएगा, वो अरेंजा कॉर्नर जहां पर 352 करोड़ की लागत में जो उड़ान पुल प्रस्तावित किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है, बीजेपी का खुला कहना है कि ऐसे उड़ान पुल की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन नगर विकास मंत्रालय और खासकर
मंत्री एकनाथ शिंदे ने यह इरेक्शन फंड जुटाने के लिए ये सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया, और इसीलिए इसका विरोध करते हुए गणेश नाईक आज सड़क पर है और ये आंदोलन जो है और तीव्रता के साथ होने की संभावना है। और वो तमाम लोग जो नोइंबई का विकास चाहते हैं, सुनियोजित विकास चाहते हैं, संतुलित विकास चाहते हैं, और इसीलिए इस पूरे लॉन्ग मार्च का समर्थन कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।